पहुंचा हूं शाहपुर रसीदपुर के पास, जहां पर कोचिंग में पढ़ रहे छात्राओं और छात्रों ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। आइए हम बात करते हैं किस तरह मेहनत किए कि ऐसी सफलता उनको मिली। आइए बात करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? मुस्कान पाठक। कहाँ घर हुआ आपका? रसीदपुर। पापा का नाम क्या है? मिस्टर संजय पाठक। मैट्रिक परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए आपको? 457। 457। कैसे तैयारी कर रही थी आप? सर अच्छे से पढ़ाई होता था, लॉकडाउन में सेल्फ स्टडी भी हुआ, सर बहुत मेहनत किए, मम्मी पापा भी सपोर्ट करते थे। क्या नाम है सर के आपके? जितेंद्र सिंह राय। जितेंद्र राय। कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं लोग यहाँ? मैथ्स साइंस। मैथ और साइंस। सर सोशल साइंस भी हुआ है। सोशल साइंस भी हुआ। इसमें सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए आपको? मैथ्स। कितने नंबर मिले हैं? 100। 100 में 100। चलिए बहुत बहुत बधाई हो हम लोगों के चैनल के तरफ से, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे आपका लक्ष्य क्या है? डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना है। आप अपने इस सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे? सर पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, टीचर्स और फैमिली मेंबर्स ने भी सपोर्ट किया बहुत, सभी लोगों ने। सभी लोगों को आप देना चाह रहे हैं। क्या नाम है बाबू आपका? प्रीति कुमारी। पापा का नाम क्या है आपके? मिस्टर तुर्केश्वर प्रसाद यादव। क्या करते हैं पापा? ड्राइवर है। ड्राइवर। कितने अंक मिले हैं आपको मैट्रिक परीक्षा में? 403। 403 नंबर। आगे आपका लक्ष्य क्या है, क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं आप? टीचर्स। टीचर बनना चाहती हैं। टीचर तो बहुत कम बच्चे बनना चाहते हैं, लेकिन अच्छा लगा कि आप टीचर शिक्षक बनना चाहती हैं। शिक्षक बन के क्या कीजिएगा? जैसे बहुत से सरकारी स्कूल है तो वहाँ पे व्यवस्था है शिक्षा के, पर वहाँ शिक्षक लोग अच्छे नहीं है। अच्छे तो नहीं है। मतलब किस वजह से अच्छे नहीं है? पढ़ाते अच्छे नहीं है, व्यवस्था बहुत है, पर वैसे ही मुझे उससे अच्छा करना है। अच्छा, इसीलिए आप चाहते हैं कि आप शिक्षक बन करके लोगों को शिक्षा दें। हाँ। और एक अच्छा सा स्टेबल स्थापित करें, आप एस्टेब्लिश हों। तो आगे इसके लिए आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा है? अच्छा है, बहुत खुश है और बोलते हैं कि जो करोगे वो करवाएंगे। चलिए, और अपनी इस सफलता का श्रेय आप किन को देना चाहेंगे? अपने माता पिता और टीचर जितेंद्र यादव। क्या नाम है बाबू आपका? अन्नू कुमारी। कहाँ घर हुआ आपका? रसीदपुर। अभी इसी कोचिंग में पढ़ती हैं? यस। क्या नाम है आपके कोचिंग का? एसके मैथमेटिक क्लासेस। इसके संचालक कौन है? जितेंद्र सर। जितेंद्र सर। तो आपको कितने अंक मिले हैं मैट्रिक परीक्षा में? 376। 376 अंक मिले हैं। आगे आप क्या करना चाहेंगे? मुझे पुलिस बनना है। आपको पुलिस बनना है? यस। पुलिस के लिए तो मेहनत सबसे ज़्यादा करना होता है। यस। और फिजिकली भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ। उसके लिए क्या सोच रखे हैं आपके पेरेंट्स? पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा है? बहुत अच्छे, पापा बोलते हैं जो करोगी वो करवाएंगे। अच्छा, पुलिस बन के क्या कीजिएगा? लोगों का सेवा करना है, यही मतलब पब्लिक की सेवा करना चाहते हैं। हाँ। आप अपनी इस सफलता का श्रेय किन को देंगे? अपने पेरेंट्स को, उसके बाद सर को। जितना पेरेंट्स ने सपोर्ट किया उतना सर भी बहुत मेहनत किए हैं। क्या नाम है बाबू आपका? रोशन कुमार। टेंथ में कितना मार्क्स मिला आपको? 373। 373 अंक मिला है जी। आगे आप क्या करना चाहते हैं? मैं आगे आर्मी में जाना चाहता हूँ। आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे, ये अंक आपको मिला है इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप परिश्रम किए, किस तरह से किए आप यहाँ तक पहुँचे? मेरी तो तैयारी सर 400 प्लस लाना चाहिए, लेकिन उतना नहीं आ पाया। तो क्या अभी आप अपने इस अंक से संतुष्ट नहीं है? नहीं, उतना अंक से संतुष्ट नहीं। कहाँ त्रुटि रह गई आपसे? सर मैथ में हल्का सा थोड़ा त्रुटि रह गई। मैथ्स में थोड़ी सी त्रुटि हो गई। तो नेक्स्ट टाइम अभी भी मौका है, अभी बहुत मौका है। ये तो पहला पड़ाव था आपका, इसको आप निकाल लिए हैं, लेकिन अगला बार ये त्रुटि ना हो, ये चीज़ आपको देखना है, है ना? तभी जिंदगी में आप सफल हो पाइएगा। तो इस सफलता का श्रेय आप किनको दे रहे हैं? माता पिता को और जितेंद्र सर को, मेरे सर को। अच्छा, इसी कोचिंग में आप भी पढ़ते हैं जी। क्या नाम है बाबू आपका? खुशी पाठक। खुशी पाठक। कैसे तैयारी की, कितना अंक प्राप्त हुआ आपको? 360। 360।
आगे आपका लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहेंगे? आगे चल के मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है। साइकोलॉजिस्ट करना है, इसके लिए फैमिली सपोर्ट क्या है? फैमिली ने सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा किया, और सर ने भी बहुत सपोर्ट किया, और स्कूल वाले टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। पापा क्या करते हैं आपके? प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब करते हैं, तो वो एग्री हैं आपके इस ड्रीम को पूरा करने के लिए? हाँ। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट करके आप क्या कीजिएगा? साइकोलॉजिस्ट मतलब होता है जैसे डॉक्टर होते हैं, वो आपका मेडिसिन से इलाज करते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट अपने थेरेपी से आपका इलाज करेगा। और बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन से आप इंटरेस्टेड हैं, हाँ। अपनी इस सफलता का श्रेय आप किनको देंगे? गार्जियन को और ट्यूशन सर को, बहुत हाँ, इन्होंने बहुत मेहनत करा है हम लोग के पीछे। क्या नाम है पापा का आपके? संजय पाठक। क्या नाम है बाबू आपका? सिमरन कुमारी। कहाँ घर हुआ आपका? रसीदपुर। अच्छा, अभी इसी कोचिंग में पढ़ती हैं? हाँ। अच्छी बात है। कितना अंक मिला आपको? 334। पापा क्या करते हैं आपसे? प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब आपके पापा करते हैं। क्या नाम है पापा का? मिस्टर उमेश पाठक। अच्छा, आगे आपका लक्ष्य क्या दिख रहा है? इंडियन आर्मी में जाना है। इंडियन आर्मी में जाना चाहती हैं, क्यों? क्योंकि मुझे देश की सेवा करना है। अच्छा, देश की सेवा करना, चलिए अच्छा चीज़ है, अच्छा ड्रीम है आपका। इसके लिए आपके फैमिली सपोर्ट क्या है? बहुत अच्छा सपोर्ट है सर। वो लोग रेडी हैं? हाँ। आपके इस डिसीजन से? हाँ। आप अपनी इस सफलता का श्रेय किनको देंगी? अपने मम्मी पापा, गार्जियन को और सर को, क्योंकि सर मुझे, हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत की है। सर अपना परिचय देंगे। मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद यादव हुआ। कौन कौन से सब्जेक्ट आप अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़वाते हैं? ऐसे तो मैं स्पेशली मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, लेकिन साइंस नहीं, साइंस भी पढ़ाता हूँ और बाकी सब्जेक्ट में भी बच्चे को हिंट्स देता हूँ। बच्चे सफलता प्राप्त किए हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? बाकी जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे हमने जितना मेहनत किया बच्चों को, बच्चे भी बहुत मेहनत किए और मेरे साथ जैसे हमने बताया वैसे लोग मेहनत किए और बहुत अच्छा किए। आज इन्हीं के बदौलत आप लोग भी यहाँ आए हुए हैं और हमसे भी इंटरव्यू करा रहे हैं। और बच्चे को यही कहना चाह रहे हैं कि सर, हमारे यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं पढ़ने, तो देख के ये दुख होता है कि 10 क्लास में आते हैं पढ़ने के लिए और उनको अच्छा से किताब पढ़ने नहीं आता। और यहाँ हम उनके लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले वो लोग किताब पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, तो इसके बाद टीचर्स उनको आराम से पढ़ा सकते हैं। जो सफलता हासिल किए हैं बच्चे, उनके लिए आप क्या रखे हैं आज? आज उनके लिए कुछ नाश्ता का प्रोग्राम था, इसके बाद प्राइज वाइज है सबके लिए। प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बताइएगा, बच्चे ने सफलता हासिल किया है जिसको लेकर के आपके हाथों से इन लोगों को पुरस्कार वितरण कराने के लिए बुलाया गया है, इन बच्चों को आप क्या संदेश देंगे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो खुशी की बात है कि एक सुदूर देहात में जो बच्चियां मतलब अच्छे तरीके से अपना मेहनत करके और रिजल्ट अच्छा लाने का काम की है, तो उनको और उनके जो मतलब शिक्षक हैं, गुरुजी हैं जितेंद्र सर जी, सभी को तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभा है उसको खोजने का काम किया और गांव की प्रतिभा जिसमें लगन है, जो बच्चियां भी बोल रही थी, कई बच्चियां मुस्कान और कई बच्चियां बोल रही थी अलग अलग कि हमको इस सेक्टर में जाना है, हमको उस सेक्टर में जाना है, तो हमारे जो अभिभावक, उनके जो अभिभावक हैं और जो समाज में आपस में मतलब हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो सबका फर्ज बनता है कि हम लोग जो जिसमें जज्बा है, जिसमें कुछ मने लगन है, वैसे बच्चों और बच्चियों को हम लोग भी प्रमोट करें और जहाँ मौका मिले उसको हम सभी जो समाज में रहते हैं वे लोग भी किसी न किसी रूप में सपोर्ट करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे गांव में मनोबल ऊंचा होगा बच्चों का और ये आगे देश के भविष्य बनने का काम करेंगे। मैं मिथिलेश कुमार राय, प्रदेश मुखिया संघ अध्यक्ष हूँ।
था।